कोरोना से लड़ने के लिए एनसीसी कैडेट्स पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को पूरी तरह तैयार है। एनसीसी एचपी बटालियन मंडी के कैडेट्स सुंदरनगर और बीएसएल कॉलोनी में सेवाएं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट कमलेश सेन महाराज लक्ष्मण सेन स्मारक महाविद्यालय सुंदरनगर से पुलिस प्रशासन को सहयोग दे रही है। वही कैडेट अंजलि, माया, अंजना, हितेश, विकास, दीपक और हिमांशु सुंदरनगर में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग सिखा रहे हैं। इसके अलावा कैडेट आकाश, रोहित, ज्योति और योगेश बीएसएल कॉलोनी में लोगों से लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं। उधर सुंदरनगर थाना के प्रभारी इंस्पेक्टर कमलकांत ने सभी कैडेट्स के हौसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इनकी बेहतरीन सेवाओं से पुलिस को काफी राहत मिल रही है। पुलिस थाना सुंदरनगर में एनसीसी के कैडेट्स कोविड-19 की लड़ाई में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं और ये लगातार बिजी पुलिस जैसे सब्जी की दुकानें हैं, बैंक हैं, एटीएम हैं, वहाँ पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि कैसे सामाजिक दूरी बना के रखें तथा इस बीमारी से बचा जा सके। तो मैं आम जनता से यही गुजारिश करूँगा, इनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश जाते हैं उन्हें हल्के में ना लें, उनकी पालना करें। ये सभी जो दिशा निर्देश जाते हैं सब ये लोगों की भलाई के लिए हैं। तो मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डी एस ठाकुर, एडम ऑफिसर 2HP एनसीसी बटालियन की तरफ से आया हूँ। डिस्ट्रिक्ट मंडी में हमारे एनसीसी कैडेट्स जो हैं इनको हमने 6 पुलिस स्टेशन के अंडर में डिप्लॉय किया हुआ है, जो कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर मंडी की रिक्वेस्ट पर हमारे ग्रुप हेडक्वार्टर शिमला के ऑर्डर से डिप्लॉयमेंट किया गया है। सुंदरनगर में हमारी 2 टीम काम कर रही हैं और इसी तरह से जोगिंद्रनगर, मंडी, गोहर एंड सरका घाट में लगभग 150 के स्ट्रेंथ में हमारे कैडेट्स, जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को डिप्लॉय किया गया है और ये 18 साल से ऊपर है सभी, और सभी के सभी वॉलंटियरली अपनी सेवाएं देने के लिए आए हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है, घबराएं नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुखाम या बुखार के लक्षण हो उसे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।